हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे उपाय की। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है कि सुबह सुबह उठ कर के आपको क्या करना चाहिए। शास्त्र अनुसार हर व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए। दिनचर्या नींद से उठते ही प्रारंभ हो जाती है। सुबह अगर अच्छी हो हमारी तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है, और दिन अच्छा हो तो हम सुबह अपने अंदर और बाहर, मन और घर में शांति और प्रसन्नता का हमारे घर में वास होता है। हिंदू धर्म में कुछ ऐसी मान्यताएं बताई गई है जिन पर अमल करने से हमारा दिन बहुत ही अच्छा निकलता है और भाग्य साथ देने लगता है। तो मैंने आपको क्या क्या बातें बताई है। सबसे पहले सुबह उठते ही बिस्तर पर हाथ रगड़ करके अपनी आँखों पे लगाना चाहिए। जो मंत्र बताया था कराग्री वस्ते लक्ष्मी, वो बोलना चाहिए। फिर धरती माता पे प्रणाम करके पैर रखने चाहिए। उठ करके सुबह सुबह घर में मंदिर स्नान आदि पूरे करके देवी देवताओं की पूजा पाठ, अगर आप मुस्लिम हैं, नमाज करना चाहिए। और सभी को इस तरह से पूजा पाठ करने के बाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए नाश्ता करने के बाद, और फिर काम पे निकलना चाहिए। एक छोटा सा काम जो आपको करना चाहिए घर से निकलने के पहले, अगर आपके कामों में आती है बहुत भारी रुकावट, तो घर से निकलने के पहले ये छोटे छोटे एक या दो काम कर लें। आप देखेंगे दोस्तों आपका दिन कितना खूबसूरत जाने वाला है। लाल किताब और ज्योतिष ग्रंथ में जातक पारिजात के अनुसार यदि घर से निकलने के पहले थोड़ा सा गुड़ खाकर, पानी पी करके निकला जाए, या गुड़ से बनी हुई चाय आप घर से पी के निकले, उससे बना हुआ कोई भी सामान, लड्डू या रोटी या कुछ भी अगर अपने साथ आप टिफ़िन लेके जाते हैं, तो गुड़ की मीठी रोटी या गुड़ की एक डली अपने टिफ़िन में रखवा लें। दोस्तों हर काम में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसका धार्मिक कारण क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको। मंगल और सूर्य ग्रह है। दरअसल गुड़ को मंगल व सूर्य ग्रह का भोज्य पदार्थ माना गया है, इसलिए इसे खाने पर आत्मविश्वास बढ़ता है और सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। गुड़ खाने से ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे शरीर का आलस्य दूर होता है और काम करने की हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए जब भी आप घर से निकलें तो थोड़ा सा गुड़ खा करके घर से निकलें, और आप देखेंगे दोस्तों कैसे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर होती है। घर से निकलने पर लकी मैजिक का काम करता है दोस्तों। चाहे रेल यात्रा हो, बस यात्रा हो, या विमान यात्रा हो, या किसी ऑफिस जाना हो, इंटरव्यू में जाना हो, किसी एग्ज़ाम के लिए जाना हो, प्रत्येक व्यक्ति को जाने के पूर्व यही कामना करनी चाहिए कि हमारा कार्य संपूर्ण हो। परिवार वालों को भी सुख शांति से विदा करना चाहिए। और आपको बताती हूँ, आज अलग अलग देशों में, हमारा इतना बड़ा देश है, अलग अलग प्रांतों में क्या करते हैं घर से निकलने के पहले, आप भी वो कार्य कर सकते हैं दोस्तों और अपने दिन को सफल बना सकते हैं। बिहार की जब हम बात करते हैं, तो बिहार के कुछ हिस्सों में जो भी व्यक्ति घर से शुभ काम के लिए बाहर जा रहा होता है, तो घर की कोई वृद्ध महिला उसको दुर्बा यानी घास जो होती है वो, तथा अक्षत थोड़े से चावल के दाने आशीर्वाद के रूप में साथ में देती है, ताकि उसकी उसके कार्य सफल हों। दक्षिण भारत में क्या करते हैं, कुछ जेब में नीम के पत्ते रखते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से हर कार्य सफल होते हैं, और कोई भी कार्य में अगर रुकावट आने वाली होती है तो वो दूर हो जाती है। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो वहाँ के लोग घर से निकलने के पूर्व दही में मीठा बूरा या चीनी डालकर खाते हैं। ऐसा मानना होता है कि ऐसा करने से सारे काम संपूर्ण होते हैं बिना रुकावट के। पूर्वोत्तर की जब हम बात करें, जैसे आसाम, बांग्लादेश आदि की, यहाँ के निवासी यात्रा पर निकलने से पहले मछली का दर्शन करना शुभ मानते हैं। और कोई भी आप काम से, लकी काम के लिए निकलें, कोई भी इंटरव्यू के लिए निकलें, तो मछली का अगर आप दर्शन करके घर से निकलेंगे तो ऐसा माना जाता है आपके कार्य बिना बाधा के पूर्ण हो जाएंगे।
दोस्तों बंगाल की जब हम बात करते हैं, यहाँ के निवासी जो भी कार्य पे निकलते हैं तो उस समय कोई भी जो वृद्ध महिला होती है घर की, वो व्यक्ति के माथे पर, या स्टूडेंट जैसे एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उसके माथे पर दही का तिलक लगाते हैं, और यात्रा में या जो भी आप कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें सफलता ज़रूर प्राप्त होती है। दोस्तों बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, हर प्रांत के हिसाब से उपाय हैं, और अगर ये काम आप घर से करके निकलेंगे तो आपके जीवन में सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। घर से जब भी आप निकलें उसके बाद किसी भी शुभ कार्य के लिए निकलने के समय श्री गणेशाय नमः ऐसा बोलें, फिर जिस दिशा में जाना है उसके उल्टी दिशा में जाएं, चार पग जाएं, इसके बाद काम पे चले जाएं, कार्य ज़रूर बनेगा। दोस्तों घर की दहलीज के बाहर निकलते वक्त मैंने पहले भी बताया हुआ, ये काली मिर्च के टोटकों में काली मिर्च के कुछ दाने घर के ऊपर बिखेर दें और उसके बाद उस पर पैर से पैर रख कर के निकल जाएं, पीछे पलट कर ना देखें, और ये उपाय करने से सारी बाधाएं आपके जीवन में, कार्य में, इंटरव्यू में जो भी बाधाएं आ रही है वो निकल जाती है। अगर आप किसी ज़मीन के लिए डील के लिए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी डील के लिए जा रहे हैं, कोई बड़ी बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं तो ये काम ज़रूर करके जाएं दोस्तों, और आप देखेंगे कैसे आपके बिगड़े हुए काम पूरे होते हैं। आपको ध्यान रखना है काली मिर्च के दानों को मसल के आप निकल जाएं, उसको उठाने या साफ करने के लिए ना जाएं, दो चार दाने हैं वहीं पड़े रहने दें, या फिर और लेकिन ध्यान रखें उनके पीछे से औरतें या कोई भी मेड है वो उसको झाड़ू में ना निकाले, कम से कम एक घंटे के बाद उसको वहां से हटाना है। दोस्तों तुरंत उसको नहीं हटाना है, काली मिर्च को पीस के निकल जाना है बस, और मुड़ के भी आपको नहीं देखना है। दोस्तों घर से निकलने के पहले अगर आप तुलसी माता के दर्शन करें और कुछ पत्ते खाकर निकलें तो भी बहुत ही लकी माना जाता है, शुभ माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके सारे बिगड़े कार्य पूरे होते हैं। दोस्तों अलग अलग दिन के हिसाब से भी अलग अलग उपाय होते हैं, सप्ताह के प्रत्येक दिन का अपना महत्व होता है। सभी कार्यों के लिए हर दिन शुभ माना जाता है, परंतु शास्त्रों और ज्योतिष का मानना है कि जब आपके काम में अड़चने ज़्यादा आ रही है और महत्वपूर्ण काम है जो आपको करना है और उसमें सफलता चाहिए तो थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है कि हम किस दिन शुभ काम के लिए कौन से दिन क्या उपाय करें। हम बात करते हैं सोमवार की। सोमवार को घर से निकलने के पहले अपना मुंह शीशे में देखकर जाएं तो सारे कार्य सफल होते हैं। मंगलवार के दिन कुछ मीठा जैसे बेसन के लड्डू, गुड़ चना आदि खाकर निकलने से कार्य का शुभ फल मिलता है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। बुधवार के दिन अगर आप चाहते हैं कि हर कार्य में आपको सफलता मिले तो इस दिन हरे धनिये का पत्ता खा करके घर से निकलें। गुरुवार के दिन कोई भी काम करने के पहले घर से निकलें तो मुंह में सरसों के दाने डाल के निकलने से कामयाबी अवश्य मिलती है। आप काली सरसों, पीली सरसों हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो काली सरसों भी ले सकते हैं। शुक्रवार के दिन कोई भी शुभ काम करने से पहले दही खाना बहुत ही शुभ माना जाता है, और ऐसा माना जाता है शुक्रवार के दिन दही खाकर निकलने से प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद वस्तुएं बहुत प्रिय है और इसलिए उन्हें दूध से बने हुए व्यंजन अर्पित करने से वो शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। शनिवार के दिन अगर आप शुभ काम के लिए निकल रहे हैं तो अदरक या घी खाकर निकलने से कामयाबी मिलती है। रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है दोस्तों, और यदि आप उस दिन किसी कार्य के लिए जाना पड़े तो अपने साथ पान का पत्ता लेकर के जाएं। देखेंगे कैसा कमाल होता है आपके जीवन में, हर कार्य आपके पूर्ण होती है। शुभ कार्यों में जाने के पहले दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय कर लें और देखेंगे सफलता की आपकी गारंटी है। दोस्तों कर लीजिए ये उपाय,
इसके अलावा भी थोड़े छोटे छोटे उपाय होते हैं जो लाल किताब में प्रसिद्ध टोटके लिखे हैं दोस्तों। जैसे किसी कार्य में सफलता के लिए घर से निकलने से पहले जाते वक्त अपने हाथ में एक रोटी ले लें, मार्ग में कहीं गाय दिखे उसको खिला दें, कौए दिखे उनको टुकड़े करके डाल दें, इससे भी सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों ये उपाय जो बता रही हूँ थोड़ा सा कठिन है पर मिलती नहीं है। घुंगुची की बेल आती है एक तरह की, अगर आप किसी भी आवश्यक कार्य से निकल रहे हैं तो घर की दहलीज के बाहर पूरब दिशा की ओर आप एक मुट्ठी घुंगुची जंगली बेल होती है एक तरह की, वो रख करके आप अपना कार्य जो भी मन में है, जो आप किस जिस कार्य से निकल रहे हैं वो बोलते हुए उस पर दम लगा के पैर रख करके आपको काम के लिए निकल जाना है। ऐसा माना जाता है कि आपको कार्यों में सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों भगवान करे आपका दिन बहुत ही शुभ हो, बहुत ही लाभदायक हो। छोटा सा काम मैंने बताया है, छोटा सा कार्य बताया है जो करने से आपको 100% सफलता की गारंटी है दोस्तों। तो कर लीजिए ये उपाय और देखिए आपके जीवन में कैसे रुकावटें खत्म हो जाती है। घर से निकलने के पहले बिल्कुल छोटा सा काम है, टेंशन नहीं लेना ये करना है वो करना है, जो इसमें से सबसे आसान उपाय लगे वो आप कीजिए और देखिए कैसे आपके कार्य पूरे होते हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, दिल से बहुत सारी हार्टफुल विशेस के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। किसी भी तरह के प्रश्न हो वीडियो के नीचे मुझे लिख के पूछ लें। अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो दोस्तों ईमेल मुझे कर सकते हैं आप, मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। हमें नहीं पता कौन कब मुसीबत में है और कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं ढेर सारी बातें कर सकें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड जय माता दी।